ओम नमो नारायण, ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से, कुशवाहा आयुर्वेद चैनल के अंतर्गत आपके लिए लेके आया हूँ इमली के आश्चर्यजनक लाभ। ये वही इमली है जिसकी हम चटनी बनाते हैं, मीठी चटनी बनाते हैं, और चाट पकौड़े, गोलगप्पे, समोसों के साथ खाई जाती है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि खाई जाती थी, अब नहीं है, क्योंकि अब वो चीनी की चाशनी जो जलेबी का रस होता है, दुकानदार तो उसी में उसी को मिला देते हैं और अलग से टाटी वगैरह डाल करके जो खट्टी चटनी होती है वो परोस देते हैं। लेकिन इमली को हमारे भोजन में क्यों शामिल किया गया और इसकी घर घर में चटनी बनाई जाती है, उसके क्या कारण है? कुछ सब्जियां बिना इमली के खटाई के नहीं बनती हैं, मैं ये सब बताऊंगा और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, जानकारी दूंगा इसके बारे में, और निश्चित तौर पे आप अगर इमली नहीं खाते तो खाना चालू कर देंगे। ये इमली, इसके काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, हमारे इधर तो खैर इसके इमली के पेड़ नहीं हैं, इक्का दुक्का कहीं देखने को मिलता है। ये इसका बीज है, आप देखेंगे ये बीज भी बहुत काम का और पंसारियों का मिलता है। इसको संस्कृत में अमलका, चिंचिका, तिंतिडिका बोला जाता है, हिंदी में इमली, अम्बली, अम्लिका। इसी तरीके से बंगाली में तैतुल, अम्बलो, इमली, और उड़ीसा में तेंतुली, गुजराती में आमली, फ्रांस और अरबी में इसको हवार बोलते हैं, फारसी और अरबी में हवार जोस। और ये इतना फ़ायदेमंद चीज़ है, आपको मैं बताऊं तो आप सोच करके दंग हो जाएंगे कि आज से पहले हमें ये क्यों नहीं पता था। और मेरे यहाँ ये हमेशा मिलता है, मैं जब पिछली बार हैदराबाद गया था तो गुरुजी ने वहाँ पे इसका उपयोग बताया था। इस इमली के खाने से शुगर में भी लाभ होता है, और सबसे बड़ी बात जो बताई गई हमें कि इसको अगर हम अपने सब्जी या दाल में यूज करते हैं तो सब्जी दाल 24 घंटे तक भी ख़राब नहीं होगी, बल्कि 72 घंटे तक ख़राब नहीं होती है। और हमारे यहाँ जो सब्जी, जितनी भी जड़ वाली सब्जी होती हैं, कंद वाली, जिस आलू को छोड़ करके जो गले में पकड़ती हैं, जैसे अरबी हो गया, सूरन हो गया, जिमीकंद हो गया, रतालू हो गया, जो इस तरह की सब्जियाँ हैं, अरबी कुल की सब्जियाँ हैं, उसमें खटाई डालना अनिवार्य होता है, तो उसमें इमली की ही पानी डालना चाहिए। इसको मैं बताऊँगा कैसे करना है, मैंने बना रखा है बगल में, आपको सब कुछ बताऊँगा। और जो आप लोग बाज़ार से सॉस खाते हैं वो खाना भी छोड़ देंगे, अपना घर पे खुद ही बनाएंगे। ये जो इमली है, स्वाद में तो खट्टा होता ही है, साथ ही कसेला भी होता है। इसकी छाया और वायु, अगर इसका वृक्ष आपके घर के आसपास है तो इसकी छाया में और इसका वायु जो प्रसूता और रोगी के लिए हानिकारक होता है, इसके नीचे सोने के लिए मना है, तो इसीलिए बोला गया है कि इमली के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। और ख़ास तौर से जिनको फोड़ा, फुंसी, कुष्ठ रोग हो, गुर्दे में कोई प्रॉब्लम हो, तो उन्हें इसका कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए, और अगर डायलिसिस पे है या ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसका ध्यान रखें कि इसको दूध के साथ नहीं लेना है, इसके लेने के आधे एक घंटे आगे पीछे दूध का सेवन या दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी है। ये जहाँ हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाती हैं, रुचिकर बनाती हैं, पाचक बनाती हैं, वहाँ और भी कई लाभ हैं।
इसके जो कच्चे फल होते हैं वो पित्त बढ़ाता है और बात का समन करता है, बस्ती शोधक है। लेकिन जो पके फल है वो मधुर खट्टेपन में होते हैं, भ्रांति नाशक होते हैं, जो हमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है उसको दूर करते हैं, और हम काम करके जब घर पे आते हैं या हमारे को जो भी थकान होती है ये उसको बड़ी तेज़ी से दूर करते हैं। श्रम निवारक हैं, यानी कि जो हमें थकान हो गई है जो कार्य करके उस थकान को दूर करते हैं। उष्ण होते हैं, गर्म में ही माना जाता है इसे, और ये पचने में आसान होता है, जल्दी पच जाता है, और इससे जो भी हम भोजन खाएंगे इसके साथ में तो वो भी जल्दी पचेगा, तो ये भोजन को बहुत स्वादिष्ट बनाता है, हमारी जठरग्नि को बढ़ाता है, जो हमें कब्ज हो जाता है, मल अवरोध हो जाता है उसको भी दूर करता है, और जितने भी रोग हैं उनमें, बात रोग है उनमें भी सहायता करता है। लेकिन जिनकी जोड़ों में दर्द हो या बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो वो ना लें, जिनको गठिया वगैरह हो गया हो। इस तरीके से ये व्याकुलता को भी नाश करता है बहुत तेज़ी से, जब हमें थकान मिटाएगा। तो जिसको घबराहट की समस्या रहती है, बात बात में घबरा जाता है, तो उसे थोड़ी सी इमली चूस लेनी चाहिए सेंधा नमक लगा करके, तो उसकी घबराहट ख़त्म हो जाएगी। साथ में ये जो इसके फूल होते हैं वो सूजन को कम करते हैं और रक्त को बढ़ाते हैं। और इसका ज़्यादा कुछ मैं उपयोग यहाँ पे मेरा कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको इसको बताऊँगा जैसे कि हम क्या करते हैं। जैसे आपने इमली का एक गूदा देखा, मैं अपना अनुभव बताऊँगा आपको। इसको 250 ग्राम इमली ले लीजिएगा, उसके बीज निकाल देंगे और साफ़ कर दीजिएगा, जड़ वगैरह जो भी है वो तो भिगोएंगे तो निकल जाएगा। इसमें खास चीज़ एक बात ध्यान वाली कि इमली के बीज में कीड़े लग जाते हैं, जो पेड़ की इमली पकती है। जब हम तमिलनाडु गए थे तो वह हमने देखा था, वहाँ पेड़ बहुत होते हैं इसके, और इमली उसमें सड़ी हुई भी निकलती थी, यानी बीज में कीड़े लग जाते हैं, जो बाज़ार में 50-60 या 100 रुपये किलो तक मिल जाती है। लेकिन ये इमली गूदे वाली अलग से है, ये थोड़ी कॉस्टली होती है, तो इसमें बीज निकाल देते हैं, कम मात्रा में बीज होता है और ये साफ़ सफाई करके आती है, A1 क्लास की इमली है। तो आप कोई भी इमली लें तो उसके बीजों को देखेंगे, बीज अंदर से सही सलामत होना चाहिए। अगर बीज में कीड़े लगे हुए तो उस इमली को सेवन ना करें। अब इस इमली को रात को आप पानी में भिगो देंगे, पानी जितनी इमली भिगोएंगे उससे एक उंगल पानी ऊपर रखिएगा, यानी आधा इंच या 1 इंच पानी ज़्यादा रखिएगा, और इमली अच्छी तरीके से भीग जाएगी। फिर इसको सुबह मसल देना है, मसल करके देखो अभी मसला नहीं है, सिर्फ रात भर पानी में रख के पानी में घुल गया इमली, तो इसको खूब अच्छे तरीके से मसलेंगे, साफ़ हाथों से हाथ धो करके आप उसे मसल दीजिएगा। जो इमली का रस है, जो इसका स्वाद है, खट्टापन है, जो इसके साल्ट हैं, वो सब जो भी है मिनरल्स वो सब पानी में आ जाएंगे। इसको फिर सूती कपड़े या छन्नी से छान दीजिएगा। इसमें क्योंकि जो इसके छिलके होते हैं उसके पार्ट होते हैं, तो वो खुरदरा और रफ होता है, तो वो दांतों में लगता है, तो इसको छान देंगे तो उसमें एक इसका शरबत बोले या रस बोले निकल जाएगा, बीज भी ऊपरी रह जाएगा, और जितने इसके चेखुर बोलते हैं हम लोग, जैसे ये इसकी जड़ ओढ़ हैं, तने ओने, जो भी इसकी जड़ें ओढ़ हैं, ये सब बाहर अटक जाएंगी और आपको तरल रूप में इमली का पानी मिलेगा। मैंने एक उंगल बताया, इसमें पानी अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं, इमली गाढ़ी होगी तो पानी सोख लेगी, और इस तरीके से पानी ज़्यादा भी रख सकते हैं। फिर जिस तरह से हम चाशनी बनाते हैं उस तरीके से बना लीजिए। तो इसमें नियम ये है कि जितनी इमली ली है अपने, 250 ग्राम इमली ली तो 250 ग्राम उसमें गुड़ डाल दीजिए और मध्यम आँच पर उसे पकाइए। जब वो पक के गाढ़ी हो जाएगी तो उसको उतार करके आप नीचे रख सकते हैं। आपने देखा होगा शादी ब्याह में देखा होगा, इमली जो हम चीले या और भी चीज़ें होती हैं उनके साथ इमली की चटनी परोसी जाती है। इसमें पांचों प्रकार के मगज जो आते हैं, बीज जो आते हैं उनको डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, मुनक्के बीज निकाल के डाल सकते हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों को स्वाद बढ़ाने के लिए, बच्चों को पौष्टिक बनाने के लिए, उन चीज़ों को मतलब सही तरीके से ले करके पीस करके या पीस बना करके छोटे टुकड़े करके इसमें मिला दीजिए, और ये आपका जैम और सॉस का भी बाप बन जाएगा। वो तो आपको बताऊं, जो आजकल शायद
सॉस और जो माता है उसमें कद्दू मिलाया जाता है, टमाटर तो कम ही होता है, बोला जाता है किसान टमाटर ये वो, बस सब 25% से ज़्यादा नहीं होता है। तो ये आप अपनी इमली की चटनी घर में बनाएं, और इसको आप अपने घर में पकौड़ी बनाते हैं अपने सरसों के तेल में, या जो भी आपके यहाँ तेल होता है, तिल जो भी घर का है, उसमें पकौड़ी बनाएं, समोसे बनाएं, जो भी आपको पकवान बनाने बनाए उसके साथ खाएं, और रोटी के साथ भी खा सकते हैं इस चटनी को, भात के साथ भी खा सकते हैं। और साउथ में तो वहाँ की जो डिशेज हैं सांभर वगैरह, उसमें भी इमली डाली जाती है, ये नॉर्थ इंडिया में बहुत कम खाई जाती है जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो ये खानी चाहिए, ये हमारे वजन को भी कम करती है, शुगर को भी कंट्रोल करती है, हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाती है, हमारे कब्ज को दूर करती है, हमारी तृष्णा को मिटाती है जो प्यास लगती है, हमारी थकान को मिटाती है, हमारी घबराहट बेचैनी को मिटाती है। तो इतने गुण हैं इसके, तो आप देख रहे होंगे। तो ये मैंने आपको एक इसका शरबत बनाया जो कि बना सकते हैं, और जो मैंने अभी आपको बनाया कि इसकी चटनी बनाई हमने या सॉस जैम जैसे, उसको पानी में डाल के, जैसे कोई बाहर से थका हुआ है तो एक चम्मच डाल के आधे गिलास पानी में मिला करके उसे पिला दें, तो उससे घबराहट और व्याकुलता ख़त्म होगी और उसकी थकान भी उतर जाएगी। और इस तरीके से हम देखें तो इसमें क्या है कि एक शरबत तो हम पिला ही देंगे, जैसे इसे पिलाते हैं व्याकुलता में, घबराहट में, और इसके फूलों का गुलकंद बना के भी रख सकते हैं, जिनके यहाँ वृक्ष हो या जिस क्षेत्र में होते हैं, तो इसका गुलकंद बना के भी हम रख सकते हैं। तो ये इमली के प्रयोग थे। और इसका एक प्रयोग मैं अभी और आपको बता दूँ, एक सोम रोग होता है बहुमूत्रता, जिसमें क्या है कि पेशाब अधिक मात्रा में आता है और आदमी परेशान रहता है, मतलब जितनी आनी चाहिए उससे ज़्यादा भी पेशाब आता है, और आने के कारण एक तो बार बार उसे उठना पड़ता है, और उसकी कम पानी ज़्यादा शरीर से निकल जाता है, किडनी पर ओवरलोड पड़ता है, और उसको थकान बहुत ज़्यादा होती है, कमज़ोरी भी हो जाती है। उस स्थिति में आपको क्या करना है, 4 ग्राम इसकी गिरी को रात्रि को जल में भिगो दें, ये जैसे है 4 ग्राम ये लेना है, ये अपने अंदाज से भी ले सकते हैं, 4 ग्राम के लगभग लें, और सुबह इसके मसल करके, जैसे मैंने बताया ऐसे ही पीस करके इसको पिए, तो इससे जो है मूत्र की समस्या वो सही हो सकती है, मेरा अनुभव तो नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूँ, तो इसको कर सकते हैं। ये स्त्री पुरुष दोनों को लाभ पहुँचाती है, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं वो भी मजबूत हो जाती हैं। जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आपने देखा होगा पसीने की समस्या भी बहुत है आजकल, लोगों को बोलते हैं बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, हाथ पैर सिर पूरा भरा रहता है, तो उसमें क्या करना है, दुर्गंध भी निकलता है पसीना जब आएगा, तो पकी इमली की गिरी को और इसके फूलों को जल में पीस करके हम लेप कर सकते हैं, और हाथ अपने चेहरे पे या माथे पे लगा सकते हैं, उससे भी पसीना कम होने की संभावना रहती है और कम होता है और दुर्गंध दूर हो जाता है। और ख़ास तौर से जैसे लूज मोशन है या पेचिस है, पाचन क्रिया विकृत हो जाने के कारण, तो उसमें भी ये अच्छा कार्य करती है। इसके लिए हमें क्या करना है, इमली का सेवन जो है बहुत ही अच्छा है, या तो इसको हमने जैसे मैंने इसका रस बताया, आप रस ले लीजिए, या फिर इसको इमली का आप हल्का सा नमक लगा के, सेंधा नमक के खा भी सकते हैं, खाना खाने के बाद में खाएंगे तो आपकी पाचन शक्ति सही रहेगी और ये बीमारी नहीं होगी, ज़्यादा बीमारी तो इमली को पानी में घोल करके इसको पी सकते हैं, पीने के बाद जो देखेंगे आप इसको लूज मोशन में थोड़ा आराम मिलेगा, अपच के कारण जब लूज मोशन हो रहा होगा तो उसमें पक्का ही आराम मिलता है। और इमली आपने देखा आंतों में उग्रता यानी उत्तेजना आ जाती है, उसके कारण होता है पित्त हमारा ज़्यादा अमाशय में जाता है, और अमाशय पित्त को भोजन में नहीं मिला पाता, वो पित्त जो है अमाशय में चल वहाँ से पेट में आंतों में चला जाता है, और वहाँ पे भी वो फिर वो अपना कार्य नहीं कर पाता है, वहाँ पित्त क्या है। और आम को लेकर के जो हम बोलते हैं ना, मल हो गया है, पेचिस हो गया है, आव आ रहा है, चिकनापन आ रहा है, तो उसको लेकर के मल द्वार से बाहर आ जाता है, तो उसको भी इमली रोकती है। यानी कि अगर इमली का सेवन करें तो हमें जो आम आने की समस्या है, जो पेचिस है, उसमें भी फायदा होगा। तो पहले के लोग इस इमली को नमक लगा के खाते थे और चटनी बनाते थे, और गर्मी में तो ज़रूर खाते थे, इसका सेवन करते थे, इसका शरबत पीते थे, और ये गर्मी में ही पकता है, आपको बताऊं। और जो फल जिस ऋतु में पकता है उसी ऋतु में खाना चाहिए, नेचर ने हमारे शरीर हमारे हिसाब से उस फल को बनाया हुआ है,
ऑफ सीजन की चीज़ें तो ना तो सब्जी खानी चाहिए ना फल खानी चाहिए, और जिस क्षेत्र में जो चीज़ ज़्यादा पैदा हो उसको वहीं पे ख़त्म खाना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखिए, शुरू में आप थोड़ी मात्रा में लीजिए, अगर आपको कुछ दिक्कत परेशानी होती तो मत लीजिए, नहीं होती तो इसको लेते रहिएगा। और मैंने इसीलिए आपको बताया, इसका हम गुलकंद का सेवन भी फूलों का बना करके खा सकते हैं या पक्की इमली भी खा सकते हैं, और ये हमारे दस्त वगैरह में बहुत काम करेगी। ये मुझे कुछ जो जानकारियाँ थी वो मैंने आपको बताया, और बाकी इमली तो हमारे घर में हमेशा रहती है, हम तो जितनी सूरन की सब्ज़ी वीकली एक बार बनी जाती है, आज भी बन रही थी तो ये उसी में डालने के लिए भिगोया था, तो हमने कहा आपको ही बता दें, क्योंकि सूरन हम ज़मीन से निकालते ही नहीं हैं, जब बनाना होता तभी निकाला, और इस समय सूरन या कंद वाली सारी सब्जियाँ बोई जा रही हैं, तो उसकी हमने कुछ टुकड़े बो दिए और एक आध टुकड़े निकाल लिए बीच के, उसकी सब्जी बनाई, और हमको पता रहता है किस जगह है तो अपना निकाल करके बनाते रहते हैं। इस तरीके से अरबी की सब्ज़ी में भी ये खटाई पड़ती है, और बाकी तो हम इसकी चटनी बना करके अपने घर में रख लेते हैं, जब पकौड़ी वगैरह बनती है तो उसके साथ यूज करते हैं, अपना घर का पकौड़ी समोसा, जितना तेल खा सकते हो प्योर होना चाहिए। अगर आप साउथ में रहते हो तो तिल का तेल खाइए, नॉर्थ में रहते हैं तो सरसों का तेल खाइए, समुद्र किनारे रहते हैं तो नारियल का तेल खाइए, मतलब जो तेल जहाँ पर पैदा होता है वो वहाँ पर खाइए। तेल और घी खाने से कोई बीमारी नहीं होती, मैं आपको पुनः बता दूँ, घी का मतलब देसी गाय का घी, और बल्कि इनसे हमारे बात रोग खत्म होते हैं, हमारे हड्डियाँ मजबूत होती है, हमारे हड्डियों के जोड़ मजबूत होते हैं। आजकल ये मिथ्या भ्रामक प्रचार किया जाता है कि घी वगैरह नहीं खाना चाहिए, फैट बढ़ता है, हम तो कहते हैं मोटापे आदमी को देसी गाय का घी खिला दो, उसका मोटापा खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें अगर ऐसा होता तो हमारे पूर्वज लोग तो कटोरी भर भर के खाते थे, घी और बूरा डाल के खाते थे, और दाल में भी डालते थे, सब्जी में भी डालते थे, रोटी पे भी लगाते थे, चावल में भी लगाते थे, और कोई मेहमान आ गया तो बिना घी के खाना नहीं दिया जाता था। जो मेरे वैसे उम्र में बड़े हैं, जो हमारे पिता तुल्य हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको अच्छे तरीके से ये बात पता है कि बिना घी के भोजन कभी मेहमान को नहीं दिया जाता था, लेकिन हम लोग बहकावे में आ गए और हमने अपना भोजन जो सात्विक शुद्ध भोजन था उसको छोड़ करके फास्ट फूड के चक्कर में अपनी सेहत भी ख़राब कर ली, और अब अगर हमने फास्ट फूड खा करके अपनी आंतों को ख़राब कर लिया, अपने लीवर ख़राब कर लिया, उसके बाद अगर हम सात्विक फूड खाते हैं या भोजन करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा, वो तो शरीर को शुद्ध करने में ही लगा रह जाएगा, तो उससे हमें ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हमें ऐसा शुद्ध सात्विक भोजन करिए, और जो हमारे प्राचीन परंपरा है भोजन पकाने की, भोजन रखने की, खाने की, उसको नियमों का पालन करिए, आप हमेशा निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो सही लगती है तो इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक और कमेंट के माध्यम से मेरा मनोबल बढ़ाएं, और अगर कुछ और भी इसका अनुभूत और प्रयोग किसी के पास हो तो ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।